तो बच्चों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे और M1 की एक काफी इंटरेस्टिंग क्लास है और इस क्लास का नाम है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आप सब भी अपने यहाँ कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी को लेकर इश्यू रहता है। बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि अगर आप जिस सिस्टम पर हैं, सिस्टम के हैक होने के खतरे भी रहते हैं। यहाँ तक कि इस बीच जब से लॉकडाउन हुआ है तब से काफी सारे इस तरह की चीजें भी सुनने को आई हैं कि आप लोगों को खासकर ये जूम ऐप पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सब सिक्योरिटीज क्या है, कैसे बचा जाए, उन सब चीजों को लेकर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस बार का ये एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये यूजफुल है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आप लोगों का जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है वो जरूर एक क्वेश्चन बनता है आपका, कम से कम 5 से 6 नंबर का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो R4 के स्टूडेंट हैं उनमें उसमें साइबर सिक्योरिटी तो नहीं आती लेकिन इसी का एक दूसरा ऑप्शन आता है जिसे वो लोग फायरवॉल के रूप में एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। फायरवॉल बताइए क्या होता है, और या तो फिर एंटीवायरस, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है R4 के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा R4 में इस तरीके का आता है। एक चीज और आपको बता दें कि एक क्वेश्चन R4 के स्टूडेंट्स में और आता है इंपॉर्टेंट कि कंप्यूटर का इस्तेमाल रेलवे में, एजुकेशन फील्ड में, इसमें किस तरीके से होता है, ये भी एक थ्योरी का एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। खैर इसको आप लोग अपनी भाषा में लंबा लंबा बांध बूंद के तैयार कर लेंगे। आई होप आप सब इस मामले में स्मार्ट हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं। साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस करने के पहले लास्ट टॉपिक एक मैंने आपको लास्ट टाइम छोड़ा था जिसके अंदर मैंने आपको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी, लेकिन लास्ट टाइम किसी कारण से मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था तो मैं आप लोगों को डिस्कस नहीं कर पाया था कि आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाया था। तो चलिए आज देखते हैं कैसे क्या होता है। आप लोगों को मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। आपका जो स्मार्टफोन है उसे ऐसे ही स्मार्ट नहीं बोलते, बेसिकली वो काफी हद तक स्मार्ट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बिना कोई मेहनत के किए जा सकते हैं। आपको सबसे पहला AI इंटेलिजेंस को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा, अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए और फोन की सेटिंग्स में वॉइस मॉडल सेट करिए। यहाँ लिख दीजिएगा वॉइस, आपके सामने वॉइस करके आ जाएगा, और गूगल वॉइस टाइप पे जाइए और यहाँ पर वॉइस मैच कराइएगा। वॉइस मैच करने से बेनिफिट ये रहता है कि आप अपनी आवाज इसके साथ सेट कर सकते हैं। मेरा वॉइस मॉडल ऑलरेडी पहले से सेट है इसलिए यहाँ पे रिटेन आ रहा है। आपको उसमें सेट वॉइस मॉडल करने को आएगा, उसमें आपसे बोलेगा कि आप लोग टाइप करिए, तो आप लोग अपना ये बोलेगा कि हे गूगल या ओके गूगल बोलिए, तो जैसे ही आप बोलेंगे वो आपकी आवाज रिकॉर्ड कर लेगा। थोड़ा डिस्टेंस से रख के बोलिएगा तो थोड़ा और आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। लीजिए वॉइस मॉडल हमारा सेट हो गया, वॉइस मॉडल हमारा इंस्टॉल हो गया, ये आपको पहली बार करना होगा। चलिए हम लोगों ने सेट कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। कुछ और भी चीजें हैं जो आप लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी आवाज से ही फोन अनलॉक हो जाए तो अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की भी है तो आप इसे ऑफ रखिए। हे गूगल वाली स्क्रीन पर आप जैसे ही इसको ऑन कर देंगे, असिस्टेंट जो है आप लोगों का, जैसे ही आप हे गूगल करेंगे, यानी कि आप लोग, इसे मैं चेक कर लेता हूं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कहूंगा वो ऑटोमेटिकली हमारी आवाज के हिसाब से ओपन हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पहले सेट करनी पड़ेगी एक बार के लिए। लीजिए हमने सेट कर ली, अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपका असिस्टेंट आपके अकॉर्डिंगली काम करेगा। जैसे जैसे आप इसके साथ समय गुजारेंगे ये आपके बारे में और पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, ओके गूगल आपको बस बोलना है। लीजिए आपका असिस्टेंट ऑन हो गया, अब ये आपसे पूछेगा, जो आप बोलेंगे वो यहाँ पर अपने आप होने लगेगा। अब लीजिए मेरा माइक चल रहा है तो आप देख रहे होंगे कि नीचे वो टाइप होने लगा, मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूं क्योंकि ये चीजें हमें कुछ नहीं करनी है। एक चीज और, ये आवाज भी, मतलब आपको अगर वॉइस मॉडल है तो आपको आवाज भी आएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी आवाज भी आपको सुना सके। बस आप बोलते रहिए वो आपके साथ करता रहेगा, या फिर नीचे का जो ये माइक है इसको आप प्रेस भी कर सकते हैं अगर आपका वॉइस सस्टेन अच्छा नहीं है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करता है और ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीखने के लिए। जो खासकर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप अपना एक कोई एक मेंबर चाहते हैं जिसके साथ आप बात कर सकें, ये सबसे बढ़िया असिस्टेंट है। और इसी को आप लोग एप्पल में सीरी के साथ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, हेलो गूगल हाउ आर यू, आई एम डूइंग ग्रेट थैंक्स फॉर
asking anything I can help with? Tell me the temperature. In Kanpur right now, it's 29 degrees. Show me the picture of Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan's movies include Sholay, Mood and 59 others. देखिए उसने तुरंत दिखाना शुरू कर दिया, बहुत इजी है, आप कुछ भी इससे करवा लीजिए, ऑलमोस्ट लगभग सभी काम कर सकता है बिना कोई टच किए, और भी देख लीजिए। अच्छा, आजकल के आईओटी डिवाइस जो आपके सिलेबस में है, जब आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने गूगल से अपनी घर की लाइट्स भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं, फैन की स्पीड, एसी भी ऑन करा सकते हैं, टेलीविजन भी आप लोग इसके थ्रू ऑपरेट करा सकते हैं, ये सब कुछ सेट हो जाता है और आपके उसमें ऑटोमेटिकली, मतलब ये कह सकते हैं कि आपके पार्ट ऑफ सिलेबस भी है कि आप AI इंटेलिजेंस के तरीके से एक छोटा सा IoT डिवाइस कनेक्ट करिए। आगे आपको मिलेगा ब्लूटूथ वगैरह की मदद से आप लाइट वगैरह कैसे ऑन करेंगे, सेंसर्स को कैसे ऑपरेट करेंगे, ये है आपके सिलेबस में। और देख लीजिए, शो मी द वे टू द लखनऊ। Way to get to Lucknow by car is via National Highway 27 and will take about 2 hours and 19 minutes in moderate traffic. उसने देखिए तुरंत बता दिया कि अगर मैं जहां पर हूं वहां से लखनऊ इतने किलोमीटर है और ये रास्ता है। आप चाहे तो इसको अपने डैशबोर्ड में रख लीजिए कार में और बस इसको प्ले कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली रास्ता आपके लिए तैयार कर देगा। AI का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है और ये काफी सारे लोग जानते भी। देखिए इसने आपसे बोल रहा है कि एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आप लोग अपना GPS ऑन कर लें। जैसे आप GPS ऑन करेंगे, जैसे जैसे मूव करेंगे, ये ऑटोमेटिकली मूव होने लगेगा और आपको रास्ता फॉलो करेगा। जहां जहां ट्रैफिक है वहां ऑटोमेटिकली आपको रेड कलर का मार्क दिखा रहा है, फिर जैसे जैसे आप घूमते चले जाएंगे ये अपने आप आपको पूरा लखनऊ पहुंचा के ही मानेगा। और इनफैक्ट आप लोग कहीं पर भी, कोई भी जरूरी नहीं कि सिटी, कोई भी आसपास कोई भी चीज ऐसे लिख दीजिए, वो एग्जैक्टली वहां तक आपको पहुंचा देगा। तो आप कुछ भी इससे करवा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आप इसके मदद से फोन ऑपरेट कर सकते हैं, कॉल करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कॉल रवि। कॉल रवि, अब देखिए मेरे पास इतने सारे रवि हैं तो वो पूछ रहा है कौन सा रवि, तो मेरे को इसमें ढूंढना पड़ेगा। अगर मेरे के पास एग्जैक्टली याद है तो मैं अपना यहाँ टच करूंगा और ये रवि का फोन नंबर आ गया और रवि को कॉल चली गई। आई होप मैं जो रवि सोच रहा हूँ उसी रवि के पास जाए। रवि, अगर तुम्हारे पास कॉल आ रही है तो जरा हाथ रेज करना। हेलो हेलो रवि, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, अभी आप क्लास में हो क्या? यस सर, क्लास में हूँ सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप आ रहे हैं। ओके ओके, चलिए देखिए हमारे रवि के स्टूडेंट के साथ कॉल कनेक्टिविटी हो गई। तो आपने देखा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली AI कितना हेल्पफुल है, आप इससे कई सारी चीजें करा सकते हैं। ओपन व्हाट्सएप लीजिए, उसने व्हाट्सएप भी ओपन कर दिया हमारा और लीजिए मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर WhatsApp में सारे मैसेजेस दिखने लगे। तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को भी घर पे करके देखिएगा। AI से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें आपको करने को मिलेंगे, इसके कई सारे कमांड्स होते हैं, आप उन कमांड्स को थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ेंगे या मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत कमांड्स देखेंगे तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं और काफी चीजें बड़ी ईजी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएशन का हिंदी मतलब क्या होता है? देखिए कितना आसानी से उसने बता दिया, नेगोशिएशन का मतलब मोल भाव। कैलकुलेट 520 मल्टीप्लाई बाई 710। 520x710 is 369,200। आप इसकी मदद से अपना रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, आप इसकी मदद से यहाँ तक कि आप लोगों की जो खरीदने के लिए वॉचलिस्ट है वो भी तैयार कर सकते हैं।
तो बहुत सारी चीजें आपके फोन से सेट कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ ऑन करा सकते हैं, टॉर्च ऑफ करा सकते हैं, स्विच ऑन द कैमरा। सॉरी, इट लुक्स लाइक द वीडियो कैमरा इजंट अवेलेबल राइट नाउ। देखिए उसने कैमरे के लिए बता रहा है, आप इसको स्विच ऑन ऑफ करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। बड़ा मतलब टॉर्च और सारे ऑपरेशंस दिए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा खासा क्लियर हो गया AI कितना इजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना अच्छे से काम करता है। तो आई होप आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। अब किसी की उत्सुकता है, कोई कुछ पूछना चाहता है AI से जुड़ा हुआ, तो जरूर वो हाथ रेज करे, मैं कोशिश करूंगा कि उससे जुड़ी हुई चीजें, अगर कोई चीजें इससे जुड़ी हुई जानना चाहता है कोई। बहुत सारे लोगों को पहले से ये पता है कि गूगल असिस्टेंट कैसे यूज कर सकते हैं, वेब्स में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ इससे आप अपनी मेल वगैरह भी टाइप करवा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप हिंदी इंग्लिश में अपनी मेल पूरी लिख सकते हैं, वर्ड एक्सेल की फाइलें भी बड़ी आसानी से बन सकती हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन बड़ा अच्छा होता है गूगल के साथ। तो ये मैंने एक छोटा सा आप लोगों को एक हिंट दे दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI किस हद तक कितना बेहतर है। अब चलिए आज का अगला सवाल या अगला टॉपिक लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, घर पे करके देखिएगा, आप में से मैक्सिमम को पता भी है, और जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा शुरुआत में इंटरेस्टिंग रहता है, उसके बाद फिर जैसे जैसे आपको हो जाता है आदी हो जाते हैं आप। मैं अक्सर अपने घर पे भी इसी तरीके से ऑपरेट करता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बिना हाँ टच के टेलीविजन का चैनल चेंज हो, घर की लाइटें ऑन ऑफ हो, तो मैंने उसी चक्कर में काफी सारे डिवाइसेस भी अपने यहाँ चेंज किए। लेकिन जब ये आ गया, अब जैसे मेरा म्यूजिक सिस्टम मैंने लगा रखा है, तो मैं जब भी उसके अंदर मूड्स दिए रहते हैं, आप अपने मूड सेट कर लीजिए, आपको रोमांटिक, सैड या एंजॉयमेंट, बस आप वो बोल दीजिए, उस मूड की प्लेलिस्ट ऑन हो जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है बिना मतलब थोड़ा सा। लेकिन एक और भी चीज है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये आपको नकारा बना देता है, आप आलसी हो जाते हैं, वो बात तो सही है, एक दूसरे मायने में ये इसका ड्रॉबैक भी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी, और ये बड़ा यूजफुल है आज की डेट में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिक्योरिटी कैसे और किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, खासकर जब आप लोग इंटरनेट या नेटवर्किंग जैसी चीजों में हैं। साइबर सिक्योरिटी इज अ प्रैक्टिस ऑफ डिफेंसिंग कंप्यूटर सर्वर मोबाइल डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम द मैलिशियस अटैक्स। जितने भी आपके कंप्यूटर सर्वर्स मोबाइल्स कोई भी चीजें हैं, बाहर से कोई अटैक से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। और ये साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कुछ भी कह सकते हैं इसे। द टर्म्स अप्लाइज इन द वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द बिजनेस टू मोबाइल कंप्यूटिंग एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉमन कैटेगरीज। अब इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, इसका क्या काम है। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम द इंट्रोड्यूसर्स वेयर टारगेटिंग अटैक एंड द ऑप्टिमाइजिंग मालवेयर। तो इसका मतलब समझिए कि जब कभी आप लोग किसी नेटवर्क में होते हैं, तो बिना आपकी परमिशंस के कोई भी आदमी आपके नेटवर्क में इंट्रोड्यूस हो जाए, ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है। तो साइबर सिक्योरिटी भी इसी का एक पार्ट है। तो मैं आपको इसी के साथ एक छोटी सी चीज और बताने जा रहा हूँ आप लोगों की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज, आप कभी भी पब्लिक नेटवर्क का वाईफाई इस्तेमाल ना करें। इनफैक्ट कभी भी कोई भी अपने डेटा के सिवाय किसी का भी वाईफाई इस्तेमाल ना करें, खासकर एयरपोर्ट्स और किसी मॉल वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं। कारण ये होता है, जब आप लोग किसी भी भाई आपके पास अपना फोन है, फॉर एग्जांपल मेरा ये फोन है, मेरे फोन में मेरा अपना डेटा चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं वाईफाई से किसी के कनेक्ट करता हूँ, तो वाईफाई से कनेक्ट करने का मतलब है मैं कहीं ना कहीं से उसके नेटवर्क में लॉग इन करूंगा, बिना लॉग इन हुए तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता, उसका पासवर्ड मैं लूंगा। बहुत सारी जगह पर आप लोगों का जब पब्लिक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, तो उस राउटर में आपका IP, MAC और यहाँ तक की सारा डिटेल पहुंचता है। अब होता क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें कोई दूर बैठा इंसान आपके फोन से एक्सेस कर सकता है। ये चीज आप भी अपने घर में यूज कर सकते हैं, और उसके लिए बनाया गया है FTP। वैसे तो ये प्रोटोकॉल है, लेकिन इस प्रोटोकॉल का लोग गलत यूज करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए बहुत ही आसान है, आप किसी इंसान को या किसी भी पर्सन को अपने नेटवर्क से लीजिए, बोलिए दान दे दीजिए, चलो दोस्तों लो मेरा नेटवर्क यूज करो, तुम लोग मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को हॉटस्पॉट। सब लोग बड़े खुश हो गए कि आपका नेटवर्क आपके साथ कनेक्टेड हो गया। अब होता क्या है,
जब कोई इंसान आपके नेटवर्क में आ जाता है तो आप राउटर से जाके चेक कर सकते हैं कि राउटर में कौन कौन से लोग आपके डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं। आप अपने फोन में भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। नीचे देखिए आपके उसमें मैं दिखा रहा है टेट्रिंग से एक हॉटस्पॉट मेरा वन डिवाइस कनेक्टेड है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि वन डिवाइसेस कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस हैं। अब आपको करना क्या है, लीजिए फाइल मैनेजर खोल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग जाइए और आप लोग FTP पे क्लिक करिए। अगर आपके फोन में FTP है, वैसे तो नॉर्मली रहता है, और अगर नहीं है तो आप एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए FTP। FTP ऐप बहुत ही सिंपल सा है, वो नेट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आप FTP ऐप ऑन करेंगे आपका वाईफाई में जो भी कनेक्टेड है वो यहाँ पर आपका ये एक्टिव हो जाएगा और उसका FTP नंबर्स यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। मेरा फोन में हॉटस्पॉट पे, मेरा फोन वाईफाई से नहीं कनेक्टेड है इसीलिए दिखा रहा है कोई वाईफाई नहीं है, लेकिन मैं अपने दूसरे फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि इसी से कनेक्टेड है और उसका FTP ऑन कर रहा हूँ। लीजिए मैंने अपने दूसरे फोन का FTP ऑन कर दिया जो आपको अभी नेट पे नहीं दिखाई देगा, और जैसे ही मैंने उसको स्टार्ट किया उसका FTP नंबर मेरी स्क्रीन पर आ गया है। अब आपको क्या करना है, अपना माई कंप्यूटर ओपन करना है, यहाँ पर ऊपर उसका FTP नंबर डाल दीजिए, FTP जो मेरे फोन में फ्लक्चुएट कर रहा है, और मैंने यहाँ पर उसका FTP पूरा पूरा टाइप कर दिया जो कि उसकी IP से जुड़ा हुआ है। ये मेरे फोन में डिस्प्ले कर रहा है जैसे ही मैंने FTP ऐप को ऑन किया, और ये रहा मेरा FTP नंबर। एंड जैसे ही मैं लिख देता हूँ और एंटर मारता हूँ, जैसे ही मैंने एंटर किया ऊपर आप देख पा रहे होंगे, और लीजिए ब्लूम, मेरा पूरा का पूरा फोन जो है वो उसके सारे फोल्डर्स बिना कोई पासवर्ड बिना कोई केबल लगाए सब स्क्रीन पर आ गए। ये मेरे फोन के हैं जो मेरा दूसरा फोन वाईफाई से मेरे इस नेटवर्क में कनेक्टेड है। आप देख पा रहे होंगे फोन का व्हाट्सएप का सारा डेटा, यहाँ तक कि व्हाट्सएप का डेटाबेस भी, साथ ही साथ उसका इनक्रिप्टेड, ये इनक्रिप्टेड डेटाबेस है, आपने किसको कब कहाँ भेजा ये वो सब कुछ इसमें रहता है। आपके बैकअप्स का पूरा सब कुछ यहाँ से देखा जा सकता है। आपको ध्यान हो आपके फोन में एक होता है फोल्डर जिसमें आपकी फोटो होती है DCIM, इसको आप खोलिए और कैमरा खोल लीजिए, आपके कैमरे की सारी फोटोज यहाँ देखिए सब आ गई। आप अपनी, अब इस समय मेरा फोन कनेक्टेड नहीं है, मतलब मेरा फोन फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, और वो कहीं पे भी रखा हो बस वाईफाई से मेरे नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, और लीजिए मैंने उसकी फोटो भी यहाँ से एक्सेस कर ली, ये खोल ली मैंने फोटो, ये देखिए। तो इस तरीके से ये बड़ा डेंजरस है। आप किसी भी, मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यही था कि आप किसी भी पब्लिक नेटवर्क से मत जुड़िए, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए मैंने आपसे बताया कि कभी भी किसी को वाईफाई कोई दान में दे तो भी ना लें, क्योंकि पता नहीं किस इरादे से आपको दे रहा है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, फोकस्ड ऑन कीपिंग सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस फ्री ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब वायरस से है। अब कंप्रोमाइज्ड एप्लीकेशन कुड प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटा इट्स असाइंड टू प्रोटेक्ट Successfully security begin in the design stage well before a program over device is a deployed. इसका मतलब समझिए क्या है, आप लोग कभी भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप लोग कभी भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड यानी ऐप मीन्स एप्लीकेशन, तो आप उस ऐप की ये नहीं चेक करते कि वो ऐप का ऑथेंटिकेशन कैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आपको बैंक का बैलेंस चेक करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बैंक बैलेंस चेक। देखिए कितने सारे ऐप्स आ गए जिससे आप लोग बैंक बैलेंस चेक करने के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई बैंक का बैलेंस या कुछ इस तरीके का है, तो आप लोगों ने एक कोई भी ऐप यहाँ से डाउनलोड कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं ज्यादा से ज्यादा रेटिंग क्या है, उसका आइकन कैसा है, बस हमें लगा कि हाँ ये सही है तो हमने 4.6 वाला ये ले लिया। आप देखिए ये जो ऐप है ये किसी बैंक की तरफ से नहीं है, ये ऐप आपको प्रोवाइड कर रहा है स्टाइलिश फोटो ऐप्स, ये वो प्रोवाइडर है जिसने आप ये अपलोड किया है। आपने डाउनलोड कर लिया, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देखा अच्छा इससे सभी बैंकों के बैलेंस एक ही में दिख जाएंगे, ये तो बड़ा आसान हो गया, देखिए बैलेंस भी चेक हो रहा है सब कुछ भी हो रहा है, बस आपने डाउनलोड कर लिया। और ये तो इसमें कम है, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है गेम्स वगैरह में, कैमरे में, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। अब जब आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, ये एप्लीकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये आपके बहुत सारे राइट्स ले लेता है। जिनके पास फोन है
वो अपना चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या परमिशन दी गई है। यहाँ ऐप परमिशंस के लिए एक ऑप्शन आता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके ऐप्स में किस किस को कितनी क्या क्या परमिशंस मिली है। चलिए सेटिंग्स में चेक करते हैं, ऐप परमिशन लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से आप लोगों को परमिशन चेक हो जाती है कि हमने कौन कौन से ऐप इंस्टॉल किए हैं और देखिए इस ऐप में क्या क्या परमिशन है। सबसे पहले ऑटो स्टार्ट को हम करते हैं। देखिए मैंने ऑटो स्टार्ट यहाँ पे ऑन किया, ऑटो स्टार्ट में आरोग्य सेतु ऐप ऑन है। ये ऐप ऑन होने का मतलब है ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो स्टार्ट सबसे रिस्की होता है, आपने अपने फोन में कोई भी ऐप जाके चेक किया, अगर वो ऑटो स्टार्ट में लगा हुआ है इसका मतलब है आप फोन ऑन करिए वो बैकग्राउंड में ऑन हो गया, आपसे पूछेगा भी नहीं ऑन होने के लिए। तो ये ऐप हमें नहीं चाहिए, तो हम चाहते हैं कि जब हम ऑन करें तभी ऑन। तो ऑटो स्टार्ट ऑफ रखिएगा, बिना किसी कोई भी जानकारी के ऑटो स्टार्ट ऑन नहीं होना चाहिए, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और बैकग्राउंड में वो ऐप काम कर रहा है। क्लियर? तो ये आपको यहाँ ध्यान देने वाली है। परमिशन पे जाइए, आपके कौन कौन से ऐप को क्या क्या परमिशन आपने प्रोवाइड किए वो आपको सब यहाँ पे दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ कैमरे पे क्लिक करता हूँ तो मेरे फोन में 36 ऐप हैं जिनमें कैमरा यूज होता है, मैंने 14 को परमिशन प्रोवाइड की है, 13 को। जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो मेरे को दिखाएगा किस किस वाले ऐप में परमिशन मैंने दी है कैमरे की। तो दिखा रहा है कैलेंडर में आपने परमिशन दी है, मैं नहीं चाहता कैलेंडर में मेरा कैमरा चले तो मैं इसको यहाँ से डिनाई कर देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में फालतू की आपकी कैमरा ऑन होगा तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो मैं उस कैमरे को ऑफ कर देता हूँ। जैसे मी रिमोट एक मेरा है उसमें कैमरा ऑन है, मेरे को नहीं चाहिए तो मैंने कैमरे को ऑफ कर दिया। ठीक है, तो जो जो जिसमें कैमरा नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए, बिकॉज वो हमारे लिए रिस्की हो सकता है। और खासकर अगर कोई आपका अननोन ऐप है और उसमें कैमरे की डिमांड आपने परमिशन दे रखी है, इसका मतलब है उस कंपनी ओनर को आपने राइट्स दे रखे हैं, वो बैठ के वहां से रिमोटली आपका कैमरा एक्सेस कर सकता है। माइक्रोफोन, आपको लगेगा कि माइक्रोफोन हमने ऑफ कर रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे कितने सारे ऐप्स होते हैं जिनको कि आप लोग माइक्रोफोन आपका रखा हुआ है, आप किसी से बात कर रहे हैं भले आपने कहीं कनेक्ट नहीं किया, बस नेट कनेक्ट होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का सारा आवाज सुन सकता है, जब चाहे तब आपसे कॉन्वर्सेशन आपकी देख सुन सकता है प्रॉपर। मैसेज किस किस को आपने दे रखा, मतलब आपको समझ आ गया होगा कौन कौन सी सेटिंग्स है, इसको पहले जाके ध्यानपूर्वक देख लीजिए, जो जो आपको लगता है नहीं है वो सब ऑफ कर दीजिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देने वाली हैं और ये ही होती हैं ऐप्स एप्लीकेशंस के लिए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरत है। एप्लीकेशन सिक्योरिटीज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा स्टोरेज एंड द ट्रांजिट। कभी भी डेटा जब आप लोग यहाँ से वहाँ ट्रांजिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसका आप लोगों का एक प्रॉपर सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। पता चला आपने डेटा किसी को भेजा, रास्ते में कंपनी प्रोवाइडर जिसने डेटा आपको दे रहा है वही आपका ले लिया, तो इसके लिए एक बनाया गया है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। कभी आप लोग अपने व्हाट्सएप को खोलिए, व्हाट्सएप को खोलने के बाद आप लोग कोई भी व्हाट्सएप में अगर आप लोग मैसेज चेक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक व्हाट्सएप दिखाता हूँ और इधर पे अगर आप चेक करें तो कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कोई भी व्हाट्सएप के लिए मैसेज देखा, जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो व्हाट्सएप में देखिए एनक्रिप्शन में दिखाता है ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पे टैप करेंगे तो देखिए आपको पूरा एंड टू एंड एनक्रिप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ से कोई भी डेटा भेजेंगे तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास वो डेटा जाएगा, इस बीच में वो इनक्रिप्टेड रहेगा। अगर सर्वे अगर व्हाट्सएप भी चाहेगा तो वो भी कंपनी इसका डेटा नहीं ले सकता, वो डिलीवरी के समय ही एनक्रिप्ट होगा, तो ये बहुत जरूरी है। ऑपरेशनल सिक्योरिटीज, आप लोगों का कोई भी डेटा जो प्रोसेस हो रहा है उसकी हैंडलिंग, ये सब सिक्योरिटीज होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ स्टोर हो रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने डेटा में कभी भी कोई ऐप वगैरह खासकर जब रखें तो आप देखिएगा कि स्टोरेज करने के लिए फाइल फोल्डर के एक्सेस राइट्स मांगता है, अगर वो आप एक्सेस राइट प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपके फोल्डर्स वगैरह कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी में ध्यान देने वाली है। अब किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम आप सभी जानते ही हैं, फाइनेंशियल पैसे के लिए होता है ये, साइबर अटैक्स आप लोगों का अटैक पॉलिटिकल अटैक साइबर अटैक्स होता है, साइबर टेररिज्म होता है, बहुत सारा पैनिक और फीवर फियर फैलाते हैं, कहने का मतलब दंगे फसाद वगैरह से जुड़ा हुआ पता नहीं क्या क्या चीज़ें नेट पे डाल देते हैं सही गलत। आजकल तो हर आदमी
न्यूज चैनल्स, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने व्हाट्सएप न्यूज पर ही भरोसा करता है। आजकल बहुत जल्दी र्यूमर फैलता है, तो ये सब चीजें इनको बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे आपको बताएं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने बकायदा साइबर सेल बना रखा है अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए। आप कभी भी फेसबुक व्हाट्सएप खोलेंगे, आपको चारों तरफ मोदी 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 दिखेंगे, योगी 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 दिखेंगे, कांग्रेस कांग्रेस का बुरा हाल होता हुआ दिखेगा। हो सकता है छोटे बच्चों की साइकिल में बच्चा चलता हुआ आ रहा है, उस बच्चे का चेहरा हटा के उनपे राहुल गांधी लगा दिया, फटा पजामा की जगह उनमें मेनका गांधी, मतलब इस तरह करके बना बना के उसको जबरदस्ती रूमर्स फैलाने की कोशिश की जाती है। बकायदा ये सिस्टमैटिक होता है, इसके लिए कंपनी पैसा प्रोवाइड करती है, लेकिन आपको इन सब चीजों को समझना चाहिए। तो बेसिकली ये है कि ये ब्रेन वॉश करने का तरीका है, किसी की इमेज इतनी गिरा दो कि उसको हर आदमी पप्पू ही समझे बेचारा कितनी भी मेहनत कर ले। तो ये सारी साइकोलॉजिकल अटैक रहता है, ये धीरे धीरे करके आदमी की इमेज खराब करने का तरीका है। एक मैं आपको एक हालिया एक अटैक और बताता हूँ जो खासकर आप लोगों का फाइनेंशियल अटैक से जुड़ा हुआ है। एक न्यूज चैनल है, मैं नाम तो भूल गया उसका क्या है, और आजकल जितने भी यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के बारे में मैं बता रहा था कि यूट्यूब चैनल को अक्सर पेड प्रमोशन के मेल्स आते हैं। आप भी अगर यूट्यूब चैनल हैं तो लोग अक्सर आप लोगों को कंपनी आपको मेल करेंगी, और मेल करने के बाद आपसे बोलेंगी कि हमारी कंपनी का प्रचार करिए, आपको इतने डॉलर्स प्रोवाइड करेंगे। एक प्रचार 10 सेकंड या 15 सेकंड के प्रचार में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये यूट्यूब वालों को मिल जाते हैं। तो क्योंकि हम लोग लालची हैं, हम लोग तुरंत मान लेते हैं। तो एक चैनल के साथ भी ऐसा ही हुआ, लालची क्या कहना गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब ये जरूरी है, हमें प्रमोशन करना है, लेकिन हम लालच हमें आ जाती है, और पैसा जहां मिलता है तो वो तो भाई हम उसके लिए तैयार रहते हैं, और ये ह्यूमन साइको है। लेकिन आपको बता दें, एक कंपनी ने उस यूट्यूबर्स को मेल किया कि हम अपनी कंपनी का प्रचार करना चाहते हैं आपके चैनल में, और आप हमारे को बताइए क्या है। तो उस आदमी ने उसको पूरे रेट्स भेज दिए, उस लड़के ने, उसमें उसने लगभग $200 की डिमांड की, और उसने कहा कि मैं आपके सॉफ्टवेयर का प्रचार करूंगा, सॉफ्टवेयर था कोई। फिर उस आदमी या उस कंपनी ने जो था, उस कंपनी ने उनको मेल किया कि ये हमारा लिंक है, इस लिंक से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए और आपकी स्क्रीन पर वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, और सॉफ्टवेयर आने के बाद आप उसे खोलिएगा और उसे इंस्टॉल कर लिएगा और उसी का प्रचार करना है। बस यही तो गड़बड़ी हो गई। उस यूट्यूबर ने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद उसके एंटीवायरस, आपका एंटीवायरस सबसे पहली चीज अपडेट होना चाहिए, सबसे पहली चीज एंटीवायरस ने उसको वार्निंग भी दी कि आपका ये जो है मेलाशियस है, लेकिन उसने कंपनी को बोला कि भाई ये एंटीवायरस मेरा बता रहा है कि आपके सॉफ्टवेयर में वायरस है। उसने कहा आप उसे डिसेबल कर दीजिए और आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसको थोड़ा लालच भी हो रहा था कि भाई हमें $200 मिलने वाले हैं, तो उसने उसको डिसेबल कर दिया और उसका सॉफ्टवेयर किसी तरीके से इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करके अनजिप अनजिप करके चला दिया। और उसके बाद बोलता है कि इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, अब कंपनी का रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। पैसे तो बात की बात है, अब होता क्या है, उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसको दे दिया जिसके द्वारा उस लड़के का या उस यूट्यूबर का सिस्टम हैक हुआ। और क्योंकि उसने अपना प्रोटोकॉल्स भी सारे ऑफ कर रखे थे, हैक होना और आसान हो गया। उस आदमी ने क्या किया या उस कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले एक फाइल होती है जिसे कहते हैं पासवर्ड डॉट, आप लोगों के फोन पे भी रहती है, सभी के पास रहती है, उसका नाम होता है पासवर्ड डॉट गूगल डॉट कॉम। क्लियर? अगर ये वेबसाइट आपके फोन में, आप जितनी भी बार वेबसाइट खोलते हैं उस वेबसाइट में वो सारी पासवर्ड्स मैनेज करती है। देखिए ये है वो वेबसाइट पासवर्ड डॉट गूगल डॉट कॉम। इस वेबसाइट में आपने जितने भी पासवर्ड डाले होते हैं अपने ब्राउजर के थ्रू, वो जैसे आप लोग कभी अपनी जीमेल आईडी डालते हैं तो उसमें पासवर्ड अपने आप आ जाता है, अमेजोन खोलते हैं, यूट्यूब, कई सारी वेबसाइट्स हैं, हम लोगों के स्क्रीन पर ऑप्शन भी खुलता है लेकिन हम कभी कभार यस कर देते हैं, कभी कभार नो कर देते हैं। ये सारे पासवर्ड आपके इसमें सेव होते रहते हैं। ये पासवर्ड जो सेव होते रहते हैं, ये आपकी कैश मेमोरी में भी ये साइट पड़ी रहती है। कैश आपकी एक छोटी सी, यूं कहिए कि यहाँ पर ब्राउजिंग हिस्ट्री है जिसमें कि ये सारा डेटा पड़ा रहता है कि आपने क्या क्या एक्सेस किया। बस ये कैश आपकी कोई भी आदमी एक्सेस कर ले तो ये फाइल उसके पास पहुंच जाती है, और आपकी सारी वेबसाइट्स और आपके पासवर्ड जो आपने डाले थे वो सब उसको बड़े आराम से मिल जाते हैं। यही चीज उस कंपनी ने उस यूट्यूबर के साथ किया। उस कंपनी ने उस यूट्यूबर के पास पहले लालच में एक सॉफ्टवेयर डालवाया उससे, फिर उसकी पूरा कैश और ये फाइल ले ली,
उसके बाद पूरा चैनल, क्योंकि अब उनके पास उसकी जीमेल आईडी भी थी, उसके पास उसका पासवर्ड भी था, उसने तुरंत उनका फोन चेंज किया, टू वे या टू स्टेप वेरिफिकेशन बंद किया, ओटीपी के लिए अपना फोन नंबर डाल दिया, और कुल मिला के 8 से 10 मिनट में पूरा चैनल उसका हैक कर दिया, और उससे अब उल्टा बोलने लगा कि तुम $200 अब हमें दो। समझ रहे हैं गेम क्या चल रहा था? तो ये तो सोचिए, यूट्यूबर था वो और उसके पास कितना सारा था, अब वो बेचारे ने क्या करे। तो उसके बाद भी अब उसने पैसे भी दे दिए, फिर उसने अपनी कहानी फिर समझाई कि मैंने पैसे भी दिए, फिर भी उस लड़के ने या जिस कंपनी में था उसको यूट्यूब का चैनल दोबारा उसको नहीं दिया। तो ये मैं आपको एक एविडेंस बता रहा हूँ जो होता है। ये तो चलिए बहुत बड़ा गेम है, आप लोग इस तरह के एविडेंस से होके बहुत बार गुजर चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग अब अगली क्लास शुरू करेंगे। क्लास का ये पूरा सिस्टम पूरा फिनिश हो गया। अगली क्लास में मैं आपको मालवेयर, ट्रोजन, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर, ये जो है फिरौती मांगने वाला, इन सब चीजों के बारे में कैसे काम करते हैं, और अगर किसी को परेशान करना है तो आप लोग इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करके उसका सारा छुपा हुआ डेटा चुरा सकते हैं। इनके बारे में बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से लौट के आइए छोटी से ब्रेक के बाद।